आज तो माधव ने हद ही कर दिया। माधव को आज बंदर ने पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया था। तो मैं धो रही थी किचन में बर्तन और वो जस्ट रूम से भाग के ही सीधा नल के पास चला गया था और नल के पास ही बंदर बैठा था, बहुत मोटा सा बड़ा सा बंदर बैठा था। और माधव का हाथ पकड़ लिया था बंदर ने और हाथ पकड़ के ना ये दोनों कुछ बात कर रहे थे अपने लैंग्वेज में। तो फिर जब मैं गई ना, मैंने सोचा चलो माधव को लेके आती हूँ, माधव बाहर गया है, वो तो वैसे भी बाहर जाता है नल के पास, तो मैं लेके आती हूँ। अब कौन जाने कि ये दोनों बातें कर रहे हैं, मतलब जब मैं गई ना, जब उस बंदर ने मुझे देखा तो वो मेरे को देखे अपना दांत निकाल रहा है। अब मेरे को डर लग गया कि अगर माधव को काट दिया तो दिक्कत हो जाएगा। फिर मैंने चिल्लाया, जैसे तैसे उस बंदर के पास गई तो उस बंदर वो भाग गया डर के मारे। तो लकीली ये हुआ कि काटा नहीं और ना ही थोड़ा सा भी खरोच आया, प्रियतम की कृपा से। तो पता नहीं यार, बहुत डर गई थी मैं आज, बहुत ही। मैं सोची थी अगर बंदर अगर माधव को लेके गया तो क्या होता। देखो यहीं पे मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं कि यहीं पे बंदर बैठा था, जस्ट ये नल के साइड में बैठा था और माधव यहाँ से जस्ट खोल के ही यहाँ आके बंदर से बात कर रहा है। और वो सबसे ज़्यादा ना कार्टून देखता है बंदर वाला, ओ नो वाला। तो उसमें उस कार्टून में ना ओ नो करते हैं और ये ओ नो करते करते ना वो सीधा बंदर के पास चला गया और ऐसा ही सीन हो गया। आज तो मैं बहुत डर गई, बहुत, और मेरी आँखों से ना पानी निकल गया डर के मारे कि मैं तो ये सब बातें ना करके ही सही है, क्योंकि ये सब सोच के मेरे को अभी भी डर लग रहा है। क्योंकि जस्ट अभी मैं रात को वॉइस दे रही हूँ और